सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लॉकडाउन के दौरान जहां कई समाजसेवी दिल खोलकर गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं, वहीं जिले के कई ऐसे डीलर हैं जिनकी शिकायत इन दिनों लगातार मिल रही है। वह लॉकडाउन का पूरी तरह से फायदा उठाना चाह रहे हैं, गरीबों को मिलने वाले नेवाला भी उसके मुंह से छीनना चाहते हैं। प्रशासन के लाख हिदायत के बाद भी ये है कि सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में डाल्टनगंज प्रखंड के लहसुनिया पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार राम भरत सिंह पर कार्डधारियों ने चावल में कंकड़ मिला कर देने का लगाया आरोप। दरअसल राशन लेने पहुंचे कार्डधारियों को डीलर के द्वारा 5 किलो की जगह 4 किलो ही राशन दिया जा रहा था। जब कार्डधारियों ने इसका विरोध किया तो डीलर गुस्से में आकर चावल में पत्थर मिला दिया और कहा कि यही चावल मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो वापस जाओ। यह कहकर सभी कार्डधारियों को वापस भेज दिया। कार्डधारियों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करने की बातें कही, साथ ही यह भी कहा कि जब तक डीलर नहीं बदल जाता है तब तक वे राशन नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसका लगातार यही स्थिति रहा है। पंचायत के कैसा हुआ कि जो हमारे यहाँ के लहसुनिया मोहल्ला के लोग हैं, फोन किए कि हमें मतलब 4.5 किलो मिल रहा है और हमें 5 किलो चाहिए, जो कि मैंने वाजिब मांग था उनका। हम इनके पास आए, फिर हम जाके डीलर साहब से बात किए, क्या मामला है, आप 5 किलो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बोल रहे तो मिलेगा नहीं, तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, तो बोल रहे कि हमको इतना ही आता है। तो बस वहाँ से हम चले गए, फिर अपनी माँ को जाके बताए सारा मामला, ठीक है ना। उसके बाद माँ आई, माँ को भी समझाना शुरू कर दिया अगला पार्टी, बोल रहा है कि नहीं देखिए वो तौल में ही गड़बड़ आता है, हमको वहीं से आता है, डीलर सॉरी जो ठेकेदार हैं वो हमें कम ही देते हैं, ठीक है ना। तो माँ उनको समझाने लगे, अच्छा बताओ दुनिया में आपका कल डीलर हैं, नहीं कम देता है, लेकिन आकर फिर कहाँ से वो तो आकर 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 मिलाया ना आकर आकर देखिए बहुत मतलब हुजत करने के बाद, बहुत कुछ बोलने के बाद एक रेडित हुआ वो कि नहीं चले देते हैं हम, जो विरोध किए कि विरोध बहुत मतलब तुल पकड़ लिया था लोगों का, तो वो देने के लिए रेडी हो गया। अब पता नहीं क्यों उसका दिमाग में क्या चला, नहीं अगला दिन मतलब लोग मुझे फिर फोन करते हैं कि देखिए ना भैया वो तो देने के लिए राजी हुआ लेकिन पत्थर डाल के दे रहा है, ठीक है। हमें विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तो हम आए खुद यहाँ, ठीक है, हम बिल्कुल मतलब बजबता रिकॉर्डिंग करवाते हुए हम बिल्कुल लोगों से मिल के और वहाँ पर हम निकलवाए थे। देखे कि एकदम इतना जट्ठा में ये जो आप सुर्खी देखते हैं जो पिच रोड बनता है ना, जी जी हाँ, वही मिलाया हुआ था ना ये बिल्कुल मतलब ऐसा। फिर हम लोगों से बात की कैसा कैसे हो गया, तो कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो देखे ही मिलाते हुए, है ना। तो टोटल मामला ये हुआ। अब टोटल मतलब ये समझे कि टोटल मामला यही है और लोगों के मानना है कि इनके साथ बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, ये मतलब कभी भी 5 किलो नहीं दिए, है ना, तो कभी नहीं मिला। जो हमारे मतलब गार्जियन की उम्र के जो लोग हैं वो भी बता रहे थे कि बाबू बहुत दिन हो गया कभी नहीं दिया और ये इनको हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता के क्या मांग है, जनता की मांग है कि इसको हटाया जाए, है ना। क्योंकि अगर हम आज पद पे हैं तो आज हम लोग दिलवा दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही हटेंगे ना नहीं देगा। अभी सुनने में क्या आया है कि हम लोग जो यहाँ से कर गए ना, तो जो लोग नहीं जान रहे इस विवाद को उनको 4.5 किलो दिए हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं लगभग वो घटा के देता है और कार्ड पे पूरा चढ़ाता है, और लोग है कि थोड़ा सा मासूम है या फिर मान के चलिए जो भी है भाईचारा में बताते नहीं हैं, लेकिन कब तक चलेगा। बस हम लोग चाहते हैं कि इसको हटाया जाए और जनता की भी मांग यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है, मुखिया जी का लड़का है। सुबह जैसे 1 यूनिट पर 4 किलो दे रहे हैं, क्या कुछ लोगों का उधर टोला में लोग बताया? देखिए आरोप करने वाला तो आप किसी तरह से जलील कर देगा, जलील करने वाला आदमी कुछ आपको कलम को लगा सकता है, लेकिन आपके सामने कर्धारी हैं, पूछ लीजिए, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, पूछ लीजिए इनको कितना राशन मिला है। चावल आप कंकड़ मिला के दे रहे हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है, ये गोदाम से ही आया था उस तरह का जी, 4 गो बोरा भरल आया था, वो उसमें जो है से कुछ कंकड़ होगा, कुछ गर्दा होगा, हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं होगा। तो वही चावल सबको बांट रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ। सबको नहीं बांट रहे हैं, जो मान लें कि बांटते बांटते उस जगह पर गया,
तो वो बोड़ा भरल बोड़ा खुल गया, भरल बोड़ा खुला तो उसमें चार को बोड़ा डाल करके उसको मिलाया होगा। लेकिन डीलर कौन है? डीलर तो राम भरत सिंह है। आप ही हैं? जी हाँ। तो आपका लड़का देते हैं? जी हाँ। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पूजा करता हूँ। अच्छा जी। तो उन लोगों को राशन मिला जो कंकड़ के वाल नहीं लिए? नहीं, उन लोग तो नहीं ले गया। क्यों नहीं लेगा? वही खराब चावल दे करके चला गया है। तो आप दूसरा चावल दिए उन लोग को? चला गया, उन लोग काट लेकर के तो किसे जाएंगे, फिर आए नहीं किया। आप ये तो जो खराब चावल खुला था उस चावल को अभी हम सब उठवा करके साइड कर दिए हैं। अच्छा जी। कितने बोड़ा में था वो? चार बोड़ा में था। चार बोड़ा में था। इसके सूचना आप उच्च अधिकारी को दिए? ठेकेदार को हमने सूचना दिया। ठेकेदार नहीं होता है उच्च अधिकारी? तो ठेकेदार ने यहाँ माल भेजता है सर जी, ठेकेदार माल भेजता है, ठेकेदार को हमने जानकारी किया। एमओ सर को दिए सूचना? एमओ सर को सूचना नहीं दिया। क्यों? हम सोचे कि ये तो ठेकेदार भी भेजा है, ठेकेदार को जानकारी कर देते हैं, तो हम सोचे कि कोई चल जाएगा, वो मिला जुला के चल जाएगा, इसलिए हम उचित नहीं समझे साहब को फोन करना, सूचना देना। तो उसको खोल करके वो मिला जुला करके देना चाहे तो ये रिएक्शन हो गया, तो फिर उस चावल को उठा करके साइड में रखवा दिए हैं। चलिए, कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव है ये? सुबह पंचायत है और लसुनिया टोला है। क्या नाम हुआ आपका? राम भरत सिंह। डीलर हुआ जी? ये इस टाइप डीलर का मनमानी क्या? हमारे पंचायत में 6 डीलर हैं और 6 डीलर में 2 डीलर हैं से बढ़िया बांट रहे हैं और बाकी 4 डीलर हैं, चाहे हमारे विनय सिंह हो, भरत सिंह हो, चाहे जो भी, मैंने 6 पंचायत का हैं, 6 पंचायत का डीलर है से मनमानी काम करते हैं। पीला कार्ड वाला के यूनिट पर 5 केजी है, उसमें कार्ड की लोग देता है, जहाँ 35 किलो देना है वहाँ 35 किलो के जगह पर 32 किलो होता है, 30 किलो होता है। और लाल अति पीला कार्ड वाला से 35 केजी देना है उसको 30 किलो ही लोग देता है, कोई डीलर नहीं है कि भरपूर देता है। और जब कर्धारी की जब करने लगेंगे कि नहीं हम लोग सब लेंगे तो कहेंगे कि जहाँ जाना है तहाँ जाइए, हम लोग इससे बेसी नहीं देंगे, हम लोग के वहीं से ऑर्डर है। और एमओ साहब से हम लोग बात करते हैं तो कहे कि नहीं सबको ही देना है, जितना 35 केजी और 30 अथी जो यूनिट पर है वही देना है। ये लोग मनमानी काम कर रहा है और आकड़ पत्थर सब फेंट फाट के दे रहा है, ऐसा डीलर नहीं चाहिए हमको। प्रशासन चाहिए कि डीलर हटा के दूसरे डीलर को चुनाव के अथी चुन के दिया जाए और जनता को अच्छा से राशन मिले। अभी तो मान लिया कि कोरोना के चलते सभी गरीब आदमी को सरकार इतना मदद कर रही है कि जहाँ से भी नहीं भेजना चाहिए वहाँ से हम लोग को भी मदद करना पड़ रहा है, जनता भी मदद कर रही है, और तब पर भी डीलर लोग नहीं समझ पा रहा है। इला सभी डीलर पर कार्रवाई होना चाहिए और नहीं कार्रवाई नहीं होगा तो हमारा जनता को राशन नहीं मिलेगा, भरपूर नहीं मिलेगा, न 35 किलो नहीं मिल पाएगा, न यूनिट है यूनिट पर भी नहीं मिलता है। इसलिए और किरासन तेल देना है, उसमें रेट क्या है और लेता है लोग ज़्यादा रेट किरासन तेल में, ज़्यादा पैसा लेता है, इसलिए सब डीलर पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जदुवंशी सिंह, पंचायत समिति सदस्य पता है, जबकि सरकार के यहाँ से 47 रुपये कुछ पैसे ही देने के लिए। और पुर्जा जब पुर्जा मांगा जाता है नेट से जो निकलता है, डीलर लोग पुर्जा कर्धारी को नहीं देता है, जबकि कर्धारी को पुर्जा होना चाहिए, वो लोग डीलर लोग नहीं देता है। इसी इतना ही बात कह के हम उन पर कार्रवाई करने के लिए और जनता के लाभ दिलाने के लिए और दूसरे डीलर बदलने के लिए मैं यही मिल से आपसे रहा है। सबसे पहले हमको जनता फोन किया कि भरत सिंह हमारे सुबह पंचायत लाली माटी को डीलर हैं, वो लसुनिया वो का बोल रहे हैं कि आकड़ पखल फेंट के देने के बात विचार किए हैं। तो हम कहे कि कैसे ऐसे होगा और प्लस दे रहे हैं 4.5 किलो, तो हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो हम इसी बीच में फिर आए तो फिर डीलर के साथ हम उसी बीच में उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत करे तो वो बोल रहे हैं कि क्या हमको वहीं से ऐसा मिलता है, वहीं से ऐसा मिलता है। और
पाँच किलो देने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं पाँच किलो तो हम नहीं दे पाएंगे। हम कहिए कि देखिए अभी कोरोना वायरस के चलते अभी एक छटा किसी आदमी के कहीं नहीं कटना है, क्योंकि मेरा जानता है अगर बीच में मर जाएगा तो अच्छा नहीं है, कहीं किस अगर बंदी बंधन लगल है इधर उधर जाना नहीं है। तो मान लीजिए कि कमा रहा था तो खा रहा था, पहले से दे रहे थे साढ़े चार किलो तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी बंदी में अगर साढ़े चार किलो दीजिएगा और कंकड़ डाल के दीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा चावल था कि मतलब मवासी के खाने के लिए नहीं था, तो आदमी कैसे जे खा सकता है। उसको हम देखते हुए गए तो हम देखते हुए मतलब ये लोग ये किया है कोड़ रहा था, जैसे ही जितने कोड़ रहा है उतना ही निकल रहा है कंकड़। उसको हम लिए ये बाबू से मंगवाए कि अरे से तुम इसको ले लो कंकड़ के ले लो प्लास्टिक में सबूत खाती। तो इसके बाद उसको बोले तो जहाँ जाना है तहाँ चले जाइए, लेकिन जो मिलेगा यही लोग के चावल मिलेगा। डीलर बोला भरत सिंह बोले कि जो भी लेना है यही है चावल, दूसरा का नहीं मिलेगा। फिर भरत सिंह हमको बुलाया कि मुखिया जी ऐसा ये लोग कह रहा है कि कलमदानी चावल मांग रहा है, कलमदानी चावल हम कहाँ से देवें। तो हम कलमदानी चावल कहाँ से ये लोग मांगेगा, जो वहाँ से आएगा वही ने देगा, लेकिन कंकड़ मिला के नहीं देना चाहिए। नहीं देना। जब हम जांच में पहुँचे देखे तो हमको से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा गलती करने वाला डीलर है, तो हमको इस पंचायत में नहीं चाहिए ऐसा डीलर।